हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी पालक से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता। तो यहाँ पर पालक का नाश्ता बनाने में एक भी बूंद तेल का इस्तेमाल नहीं करूंगी, बिना तेल का ही आपको बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ली हूँ एक गट्ठल पालक, और पालक को अच्छे से कट करके पहले इसका जड़ को हटा के और पत्ते को अच्छे से साफ़ करके ले ली हूँ, और पानी अच्छे से इसका निकाल ली हूँ। और इस नाश्ते को आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो बिना बनाए नहीं रह पाएंगे, इतना अच्छा टेस्टी सा ये नाश्ता बनके तैयार होता है, और बच्चे बड़े सभी को खाना ये पसंद आएगा। तो यहाँ पर पालक को रफली चॉप कर लेना है, इसे बिल्कुल भी बारीक नहीं कट करना, बस एक से दो बार आप इसे कट करके ले लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल प्रेस कीजिएगा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो पालक को कट करने के बाद इसे डाल ली हूँ मिक्सर जार में। तो यहाँ पर आप बड़े वाले मिक्सर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ ही डाल दे रही हूँ दो हरी मिर्ची। तो जिस हिसाब से नाश्ता बना के मैं दिखा रही हूँ तो उस हिसाब से दो मिर्ची डाली हूँ। आप ज़्यादा यदि बना रहे हैं तो मिर्ची वगैरह पालक हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा करके ले लेंगे। और इसमें डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा का, तो इसे भी थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा में कट करके डाल रही हूँ, जिससे कि इसे जो पालक को जो पीसूँ तो अच्छे से ये भी पीस जाए। नहीं तो ऐसा होता है कभी कभी कि अदरक अच्छे से पीस नहीं पाता है, तो इसे छोटा छोटा ही कट करके डालिएगा आप। और इसके साथ ही इसमें डाल दे रही हूँ 1 कप दही। दही यहाँ पर आप खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खट्टा दही का इस्तेमाल कीजिएगा तो थोड़ा सा नाश्ता हल्का सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट उसका आ जाएगा, और फ्रेश दही रहेगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा मीठा मीठा सा आएगा। तो यहाँ पर दही और पालक सारे चीज़ को अच्छे से पीस ली हूँ। तो इस प्रकार से कुछ बैटर को आप अच्छे से बारीक करके पीस लीजिएगा, और अभी इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं की हूँ। तो अब इस पालक के बैटर में डाल दे रही हूँ 1 कप सूजी, और यहाँ पर इस सूजी के साथ ही डाल दे रही हूँ 2 चम्मच गेहूँ का आटा। आप गेहूं के आटे की जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन गेहूँ का आटा ही डाली हूँ क्योंकि हेल्दी सा नाश्ता आपको बना के दिखा रही हूँ। अब इसमें डाल दूंगी पानी, तो जो दही वाला कटोरी था उसी से 1 कटोरी यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी आधा ही पानी इसमें डाली हूँ। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से एक बार दो बार अच्छे से चला लूँगी, जिससे कि सूजी और मैदा अच्छे से पालक के पेस्ट में मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसे पीस के ले ली हूँ। इसका बैटर एकदम स्मूथ है, और कभी कभी होता है ना कि इसमें कोई पालक का पत्ता वगैरह रह जाता है, अच्छे से नहीं पीस पा रहा है, तो आप इसे छन्नी से छान लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर मैं खाली कर ली हूँ, दूसरे कटोरा में इस बैटर को रख ली हूँ, और इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के कुछ बैटर को इस तरह का सेट कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसे गीला नहीं रखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। और आप देख पा रहे होंगे कि बैटर हमारा एकदम स्मूथली पिसाया है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है गांठ गुठली। अब इसमें डालूंगी धनिया पत्ती, तो धनिया पत्ती का डंठल नहीं लेना है, सिर्फ पत्ती का ही इस्तेमाल करना है। तो इसके साथ इसे भी काट के डाल दे रही हूँ, जिससे इसमें और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए। आप यहाँ पर करी पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जिसका फ्लेवर पसंद है आप इसमें डाल दीजिएगा। और कुछ पत्ती को इस तरह ही मैं सिर्फ तोड़ के ही डाल दूंगी, सिर्फ पत्ती पत्ती सा, जिससे कि जब नाश्ता आप बनाए तो वो अच्छा लगे देखने में थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में अपने फैमिली मेम्बर में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पहले से कर रखा है आपने सब्सक्राइब तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। अब इसमें डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, तो पालक में नमक होता है, इस अनुसार से आप नमक थोड़ा सा ठीक ठाक से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा। और इसमें डाल दी हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, और सारे को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से बैटर को मिक्स कर ली हूँ फ्रेंड्स। अब क्या करूँगी,
तो इसे ढक के छोड़ दूंगी कम से कम 5 से 10 मिनट। ज़्यादा आपके पास समय है तो आप ज़्यादा समय भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ दे रही हूँ, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल के और तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक बार बैटर को चेक कर ले रही हूँ, तो देखिए सूजी अच्छे से फूल चुका है और बैटर हल्का सा गाढ़ा भी हो चुका है, क्योंकि सूजी फूलेगा तो वो पानी पिएगा, तो इस तरह से आपका बैटर थोड़ा हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए अब नाश्ता बना के दिखाती हूँ। तो नाश्ता बनाने के लिए ले ली हूँ कुछ इस टाइप का प्लेट। तो आप जब भी नाश्ता बनाएं तो प्लेट कुछ इस तरह का एकदम चिकना सा होना चाहिए, ऊपर खावर सा नहीं होना चाहिए, इस तरह से फ्लैट होना चाहिए, जिससे कि आप नाश्ता बनाए तो आसानी से बन जाए। और प्लेट में लगा दी हूँ थोड़ा सा रिफाइंड तेल और इसे अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर बस सिर्फ इतना ही तेल, सिर्फ प्लेट में लगाने भर ही तेल का इस्तेमाल की हूँ, नाश्ता में बिल्कुल भी तेल नहीं डालूँगी। इसे चिकना कर ली हूँ अच्छे से और ले ली हूँ एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दी हूँ स्टैंड, ऐसा वाला तो होता ही है सभी के घर में, और इसमें डाल दे रही हूँ पानी कढ़ाई में। और पानी डालने के बाद इसे ढक के पानी में उबाल आने दूंगी। तो पानी में अच्छा सा उबाल आ रहा है, तब तक प्लेट में डाल ले रही हूँ इस बैटर को। तो आप जितना साइज का प्लेट ले रहे हैं उस टाइप से आप बैटर डालिएगा। बहुत बड़ा ले रहे हैं तो आप ज़्यादा बैटर डालिएगा। जिससे जिस साइज का मैं ली हूँ, इस साइज का यदि ले रहे हैं तो इसमें 2 कलछी छोटा कलछी से आप डाल सकते हैं बैटर को, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, तो इस अनुसार से आप बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें बैठा दूँगी, इस प्लेट को डाल दूँगी इस स्टैंड पर और इसे स्टीम से पकने दूँगी और इसे ढक के पकने दूंगी स्टीम से। और अभी यहाँ पर क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा, हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाइएगा, मीडियम कर दीजिएगा, जिससे कि अच्छे से भाप से ये पक जाए। तो अभी चेक करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमारा पालक का नाश्ता यहाँ पर स्टीम हो चुका है अच्छे से, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और हल्का सा इसे टच करके देखिएगा तो चिपचिपा सा नहीं रहेगा। तो अभी इस प्लेट को निकाल ले रही हूँ इस कढ़ाई से और इसी तरह से फिर से दूसरे प्लेट को इसमें डाल दूँगी और इसे बिल्कुल ठंडा होने दूँगी। जब पूरा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी इस नाश्ते को निकाल के दिखाती हूँ। और इसी तरह से सारे बैटर को तैयार करके नाश्ता तैयार कर लेना है, बस सेम इसी तरह से। तो एक एक प्लेट, आपके पास प्लेट कम है तो जैसे ठंडा हो जाए उस नाश्ते को निकाल के आप रख लें, फिर दूसरा उसी प्लेट में प्लेट को साफ़ करके इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे प्लेट में नाश्ता को बना के तैयार कर ली हूँ और बहुत अच्छा से ये ठंडा भी हो चुका है। और यहाँ पर बड़े थोड़ा सा बड़ा प्लेट में भी बनाई हूँ, तो आप जिसमें चाहें उसमें बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा प्लेट में बनाएंगे तो झटपट से बन जाएगा कम टाइम में। तो अभी यहाँ पर हमारा नाश्ता ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब इसे निकाल के दिखाती हूँ कि इसे निकालना कैसे है। तो इसे पतला पतला स्ट्रिप्ट में कट कर ले रही हूँ। आपका बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेट है तो आप 4 बार भी इसे कट कर सकते हैं, हमारा छोटा है तो यहाँ पर 3 टुकड़ा में ही इसे कट की हूँ और थोड़ा सा किनारे से इस तरह से करके हल्का सा इसे छुरा दे रही हूँ। ऐसे ही कुछ भी टूटेगा फूटेगा नहीं, बहुत अच्छा नाश्ता आपका बन के तैयार होगा। और इसे इस तरह से रोल रोल करके इसे रोल कर ले रही हूँ। देखिए कितना अच्छा हमारा पालक का रोल तैयार हुआ है। तो इसी तरह से मैं सारे को बना के तैयार कर ले रही हूँ। और आप देख पा रहे हैं कि ज़रा सा भी ये चिपका नहीं है प्लेट में, एकदम अच्छे से निकल गया है। और इसमें लगा दे रही हूँ
टूथपिक, जिससे कि ये थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे आपका नाश्ता देखने में। और इसे बच्चे यदि नहीं खाते हैं पालक तो भी वो खा लें, क्योंकि इसे थोड़ा सा डेकोरेट अच्छे से कर दीजिएगा तो बच्चे भी खा लेंगे झटपट से। और इस तरह से आप पालक खिला सकते हैं, जो पालक नहीं खाते हैं उन्हें भी आप पालक खिला सकते हैं। तो इसी तरह से सारे प्लेट को इस तरह से करके और कट करके तैयार कर ले रही हूँ, सारे प्लेट से नाश्ते को निकाल ले रही हूँ। तो बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। तो प्लेट जितना अच्छा ठंडा हुआ रहेगा उतना अच्छा से आपका ये नाश्ता निकल के तैयार होगा, आप देख पा रहे हैं। तो सारे में इस तरह से टूथपिक लगा के मैं तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को बना के तैयार कर ली हूँ। और आप चाहें तो इसके ऊपर तड़का भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें बताई हूँ कि बिना तेल का बना रही है उसके कारण तड़का डाल के नहीं दिखाई हूँ। आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता, सरसों, तिल, सूखी लाल मिर्ची का तड़का लगा बना के इसके ऊपर से डाल दीजिए, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप जैसे चाहें वैसे बना के खाएँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।